पिचाई सुंदर राजन या सुंदर पिचाई, भारत के मिट्टी से निकला वह हीरा जो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन कंपनी का सीईओ बना और भारत को गौरवान्वित किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुंदर पिचाई के मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर गूगल के सीईओ बनने तक का सफर के बारे में। सुंदर का जन्म 10 जून 1972 को मदुरई चेन्नई में हुआ था। पिता रघुनाथ पिचाई एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और माता लक्ष्मी स्टेनोग्राफर थी। सुंदर की 12वीं तक की पढ़ाई मदुरई में ही हुई। इसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में IIT खड़गपुर से सिल्वर मेडल सहित डिग्री प्राप्त की। इसके बाद सुंदर US चले गए, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1995 में मटेरियल साइंस पर MS किया। उसके बाद वार्टन बिजनेस स्कूल से MBA भी किया। 1 अप्रैल 2004 को गूगल कंपनी में इंटरव्यू दिया। उसके बाद वे प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट हेड के तौर पर गूगल पर ज्वाइन किया और इसी दिन गूगल Gmail लॉन्च भी हुआ था। शुरुआत में सुंदर ने गूगल टूल बार, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोडक्ट पर काम करना शुरू किया। कुछ सालों तक गूगल क्रोम पर काम किया जो 2008 में लॉन्च हुआ था। बता दें, जब 2006 तक इंटरनेट सर्फिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज होता था, जहां गूगल का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट पर सेट होता था। लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट से हटाकर अपने प्रोडक्ट बिंग नाम के एक सर्च इंजन को यूज करना शुरू कर दिया था। तब गूगल को लगभग 300 मिलियन यूजर्स का लॉस उठाना पड़ा था। बता दें, यदि गूगल क्रोम उस समय लॉन्च नहीं हुआ होता तो गूगल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। क्रोम ब्राउजर पर किए गए मेहनत के कारण पिचाई को गूगल का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और 2014 तक पिचाई को गूगल और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोडक्ट हेड भी बनाया गया, जिसके कारण एंड्रॉइड यूजर्स का आंकड़ा 1 अरब को क्रॉस कर गया था। बता दें, 2011 में ट्विटर ने पिचाई को अपने कंपनी में लाने के लिए कई हैवी ऑफर्स दिए थे। वहीं 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संभावित सीईओ के रूप में भी उन्हें चुन लिया गया था। लेकिन गूगल ने पिचाई को अपने यहां रोक कर रखने के लिए काफी बड़े ऑफर्स दिए और अगस्त 2015 में पिचाई को गूगल सर्च इंजन के सीईओ के रूप में चुना गया। गूगल कंपनी का नाम अल्फाबेट कर दिया गया था, जिसके सीईओ खुद लैरी पेज बने थे, जो गूगल के फाउंडर भी थे। 3 दिसंबर 2019 को सुंदर पिचाई अल्फाबेट के सीईओ के रूप में भी चुन लिए गए। 2019 में पिचाई की मंथली इनकम 176 करोड़ रुपए की रही, यानी वे प्रतिदिन लगभग 5.87 करोड़ रुपए अर्न करते हैं। सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, गूगल लेंस जैसे प्रोडक्ट के लॉन्च में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। 2020 में फोर्ब्स ने सुंदर पिचाई को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लीडर के रूप में इस सूची में शामिल भी किया था। गाइस, आज सुंदर पिचाई जी का जन्मदिन है और हम सब उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। गाइस, आपको सुंदर पिचाई की ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।